हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके द्वारा दिए गए होमवर्क बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं भेजे हैं। तो उन लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अब हम लोग के पास समय नहीं बचा। आप देखते देखते अक्टूबर बीतने वाला है, उसके बाद दिवाली आ जाएगा, फिर दिवाली का धमाका दिवाली का धमाका मतलब क्या, इसके बाद ही हम लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो क्या हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं या हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे? तो अगर आप नहीं सोच रहे तो सोच लीजिए बच्चा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप मन लगा के पढ़िए और सभी होमवर्क और नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप इससे करते रहेंगे तो वही आपकी प्रैक्टिस रहेगी और काफी ऊंचे आप जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग टॉपिक में थे बायोमॉलिक्यूल्स, आज बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर 4 है, लेकिन इसके पहले लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या डिस्कस देखा था, कुछ कार्बोहाइड्रेट के महत्व। तो हमने पाया जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से हमारी जैविक क्रियाओं को संबोधित करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे द्वारा किए गए कार्य को संपन्न कराता है। ये सारी प्रक्रियाएं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद हमने पाया था कुछ एमिनो अम्ल, तो पाया था ये मुख्यतः कार्बोक्सिलिक के व्युत्पन्न होते हैं जो एमीन से विस्थापित होकर प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एमिनो अम्ल थे, उसमें से आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसीलिए हमने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या टी वी मिल पाथ, ये एमिनो अम्ल याद करने का एक छोटा सा फंडा है, जिसमें आपको नाम बोले थे लिखने को। कुछ बच्चों ने नाम भेजा भी, कुछ बच्चों ने नाम नहीं भेजा। आपको याद होगा बेसिकली 5 नाम हमने आपको बताए थे कि 5 नाम आप लिखवा दी थी, 5 नाम ही सिर्फ होमवर्क था। जैसा कि अगर हम बात करें टीवी मेल पैथ की, तो इसको हम ऐसे ऑर्डर में लिख लें, इस तरह याद हो जाएगा फिर से, टी वी मिल और पाथ। क्या मेरे साथ साथ आप बता सकते हैं, देखिए आपको याद है टी, जैसे ही टी की नाम हुई तो टी से कौन आया था, याद करिए बच्चा, आप बता सकते हैं, हमें पता है, हम बोर्ड से इसलिए हट गए हैं कि आपको आसानी से चीज़ें दिखाई दें, ठीक। डाउट्स है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला टी, टी से क्या, ट्रिप्टोफैन, याद आया ट्रिप्टोफैन, कॉपी करिए बच्चा, टी से बात हो तो ट्रिप्टोफैन। वी, वी है तो वैलीन, उसके बाद एम मैथियोनीन, मैथियोनीन, उसके बाद आई आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, उसके बाद एल ल्यूसीन। 1 2 3 4 5 आपको याद होगा, ये पांचों के पांचों नाम हमने आपको लिखवा दिए थे। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चे इस नाम को अच्छे से याद कर लेंगे, और 5 नाम जो नीचे आपको दिख रहे हैं वो आपके होमवर्क थे जो आपको बताना था, जिसमें से कुछ बच्चे नहीं भेजे। तो जो नहीं भेजे वो आज की क्लास में देख लीजिए उसको हम कैसे लिखेंगे। अब एल बचा, एल से क्या, लाइसीन, उसके बाद पी, पी से फेनिल एनिलीन, फेनिल एलेनीना। अगर आपके पास किताब होगी तो आप पाओगे बहुत सारे एमिनो अम्ल हैं, ये वो एमिनो अम्ल है जो पिछले 10 सालों से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण एमिनो अम्लों के नाम बताइए, तो छोटा सा फंडा आपको बता दिया टीवी विल पैथ, इससे आप आसानी से एमिनो अम्ल याद कर सकते हैं। ए आर्जिनिन, इसके बाद टी थियोनीन, थियोनीन,
और लास्ट है एच, एस से हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। ये हमारे पांच महत्वपूर्ण होमवर्क थे जो हमने आपको पिछली क्लास में दिया था, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। अब आप जानते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें बेसिकली मिलता है अंडे है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसी कोई बातचीत हम लोग याद किए थे। तो प्रोटीन जाने से पहले कुछ और चीजें हम आपको बताने चाहते हैं अमीनो अम्ल में, जो आपकी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, बोलिए यस सर, फिर हम आगे चलेंगे। ओके क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो पूछा जाता है कुछ एमिनो अम्लों के सम विभव बिंदु, अम्लों के सम विभव बिंदु। देखिए बच्चा, दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम आपको बनाना है एमिनो अम्ल और दूसरा कॉलम बनाना है क्या, सम विभव बिंदु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें 2013 और 2012 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि एमिनो अम्ल के सम विभव बिंदु क्या होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति जब भी पूछेगा तो हम लोग याद किए हैं, प्रकृति हमेशा तीन होगी, या तो क्या अम्ली, या तो क्षारी, या तो उदासीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमिनो अम्ल की, और सबसे पहला ही अगर एमिनो अम्ल की बात करें तो याद करिए क्या आएगा, बिल्कुल वही वाला, स्टार्टिंग वाला ना, एलेनिन वैलिन, लिख लीजिए एलेनिन वैलिन। अगर कोई आपसे पूछे जो एलेनिन वैलिन है इसकी प्रकृति क्या होती है, तो बच्चा इसकी प्रकृति होती है उदासीन। अब सवाल यह होगा कि सर एलेनिन का जो संभवन बिंदु है वो कितना है, तो 6.02 और इसका 5.97, बताइए उदासीन प्रकृति याद होगी, ये बिल्कुल पीएच की तरह हो, या अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एस्पार्टिक अम्ल, चौथा ग्लूटामिक अम्ल। अब नाम में ही क्या है अम्ल, तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, जान जाएंगे इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्ल है तो अम्ली। संभवन बिंदु की बात करेंगे तो इसकी संभवन बिंदु है 2.87 और इसकी 3.22। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ दो चीजें पूछ सकता है, नाम दे देगा और पूछेगा इनकी संभवन बिंदु क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही याद करना जैसे पीएच वैल्यू हम लोग याद किए थे, कि जैसे नींबू का अम्ल था तो 2.4 था, रक्त की बात की तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू था वो 7.4 था, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको भी याद करना है। ठीक, तो उदासीन हो गया, अम्ली हो गया। अब चलिए छारी पे चला जाए, छारी में दो, एक लाइसीन और एक वही वाला आर्जिनिन, ये दोनों की प्रकृति क्या हो जाएगी, छारी। और छारी होने की वजह से इनकी जो पीएच वैल्यू है वो 9.74, 10.70। इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक, जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से बताइए बच्चा, अगर कोई डाउट है तो फास्ट फास्ट।
नहीं तो आप एक लाइन बोलिए सर क्लियर है, फिर हम आगे चले। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीजें एकदम क्लियर होंगी। आइए हम आगे चला जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पे, जिसका नाम है क्या? प्रोटीन। नाम तो सुना ही होगा, जल्दी जल्दी प्रोटीन की PROTEINS TEINS प्रोटीन्स। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए हमारे बाल, हमारी नाखूने और हमारे शरीर में जो वृद्धि का कारक होता है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस बायोकेमिस्ट्री में हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोटीन क्या है या प्रोटीन किसे कहते हैं। तो एग्जाम में हम उसे किस प्रकार लिखेंगे आइए समझा जाए। जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, लिखिए प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, संकीर्ण कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। संकीर्ण कार्बनिक यौगिक मतलब एक तरह से जटिल कार्बनिक यौगिक, संकीर्ण का मतलब जटिल से, याद रखिए, जो वनस्पति तथा जंतु दोनों में प्रचुरता से पाए जाते हैं, जो वनस्पति तथा जंतु, ठीक है कट रहा है, दोनों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। देखिए बच्चा, इसके कहने का मतलब बस इतना है कि अगर ये सवाल हो कि प्रोटीन कहां से मिलेगा, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्रोत है वो मिलता है, पेड़ों की बात करें तो सोयाबीन या मशरूम से, जैसा कि सीजन चल ही रहा है, और अगर जंतुओं की बात करें तो मांस से भी प्रोटीन मिलता है, अंडे तो भूल ही नहीं सकते, अंडों से भी प्रोटीन मिलता है। तो ये सब पेड़ तो देते नहीं, ये सब कौन देते, जंतु। तो ये पाया गया कि वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए दोनों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, पाए जाते हैं। और जल अपघटन पर और जल अपघटन पर कॉपी कर लीजिए अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, अल्फा इसको अल्फा पढ़िएगा, एमिनो अम्ल देते हैं। लाइन चेंज करिए, ये सभी जीव या सजीव लिखे या ऐसे लिखो, ये सभी जीव जंतुओं के शरीर का प्रमुख अवयव है। देखिए कहने का मतलब बस इतना है कि अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए या प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही अधिक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। कॉपी करिए इसको, जंतु शरीर का लगभग, इसको याद कर लीजिएगा, जंतु शरीर का लगभग
19% भाग प्रोटीन का बना होता है, समझे? सवाल ये था 2013 का कि हमारे शरीर में प्रोटीन के कितने प्रतिशत भाग है। ऑप्शन था 28, 19, 29 या 36। तो याद रखिएगा कितना, 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। अब सवाल होता है कि सर हमारे शरीर में प्रोटीन से क्या क्या बनते हैं। तो अभी जो कुछ देर पहले बता रहे थे, बाल, दूसरा नाखून, ठीक है, बाल हो गया, नाखून हो गया, और याद करिए, और याद करिए बच्चा, बाल हो गया, नाखून हो गया, त्वचा याद कर लो, अगर हम पक्षियों की बात करें तो पंख याद कर लेते, और अगर जंतु की बात करें तो उनके जो सिंग और खुर होते, ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, क्या बनता है प्रोटीन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा, स्रोत, प्रोटीन का मूल स्रोत कौन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। सवाल ये होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे। इसीलिए कहा गया कि सोयाबीन सबसे ज्यादा क्या है, स्रोत होता है किसका, प्रोटीन का। बताइए क्या ये लाइन क्लियर हुई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा फंडा होता है जिससे आप सारी चीजों को अच्छे समझ सकते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाइए, कैसे हम प्रोटीन को बांट देंगे और हम समझ जाएंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग बनाइएगा, वर्गीकरण, ठीक है, ये रेखा चित्र है प्रोटीन का, रेखा चित्र। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोटीन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो सबसे पहला आधार है वो है बच्चा विलेयता के आधार पर, ठीक, किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर। अगर हम विलेयता के आधार पर देखें तो प्रोटीन के दो भाग हैं, एक साधारण और दूसरा बच्चा संयुग्मित। अब आपको क्या करना है, चार ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो मुख्यतः कहलाते हैं क्या, साधारण, ठीक, और दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो कहलाते हैं क्या, संयुग्मित, और तीसरा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देने हैं। चलिए दूसरे की हम बात करें तो दूसरा याद रखिएगा, ये हमारा हो गया पहला, संगठन के आधार पर, बताइए समझ में आ रहा है, संगठन के आधार पर। अगर हम संगठन को प्रेफरेंस करें तो संगठन के आधार पर हम जो इसको है दो भागों में बांटते हैं, एक रेशेदार प्रोटीन और दूसरा कणिकामय प्रोटीन, ठीक है, ए
रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है कणिका में प्रोटीन। अब सवाल होगा सर चार ऐसे नाम बताइए जो रेशेदार प्रोटीन में आते हैं, मतलब फाइबर्स प्रोटीन। दो ऐसे नाम बताइए जो कणिका में प्रोटीन आते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आपकी किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, उसको हम आसानी समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में ले कि मेरे बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। चलिए तीसरा और अंतिम की बात करें, कार्य के आधार पर। अगर बच्चों कार्य के आधार पर देखा जाए तो हमारे पास लगभग चार हैं, एक संरचनात्मक। आप कोशिश करिएगा एक एग्जाम्पल इसका, ठीक, एक एग्जाम्पल होगा संरचनात्मक का। दूसरा नाम सुना ही होगा एंजाइम। हमारा शरीर एंजाइम और एक हार्मोन से मिलकर बना होता है, एक हार्मोन का भी। और डी है प्रतिजैविक। एक एग्जाम्पल आपके प्रतिजैविक का भी। तो इस तरह अब तो समझ गए होंगे ये क्यों दे रहे। ये जो है आपका एक छोटा सा होमवर्क, आपको क्या करना है इन सबको फिल करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये कर लेंगे बहुत अच्छे से। आइए एक बार हम लोग शुरू से समझा जाए आज हम लोगों ने क्या देखा। आज की टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो लेक्चर फोर है, और लेक्चर फोर हमारा क्या है, एमिनो अम्ल। पिछली क्लास का एक छोटा सा होमवर्क था जिसको एक फंडा से बताए थे, टीवी मिल पैथ। अगर एग्जामिनर पूछे कि कौन कौन से आते हैं तो इनको याद कर लीजिए, ये टीवी मिल पैथ में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ सम विभव बिंदु, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो पेपर है वो कुछ एमसीक्यू भी आते हैं, तो ये अक्सर एमसीक्यू बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है प्रकृति क्या है और उनकी वैल्यू क्या है। तो प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति क्या है, उदासीन में दो याद कर लीजिए एलिनिन वैलिन, अम्ली में दो याद कर लीजिए एस्पार्टिक और ग्लूटेमिक, और छारी में दो याद कर लीजिए लाइसिन और आर्जिनिन। अगर हमसे संभवन बिंदु की बात करें तो एलिनिन की जो संभवन बिंदु है वो 6.02 है, वैलिन की 5.97, एस्पार्टिक 2.87, ग्लूटेमिक 3.22 और लाइसिन आर्जिन 9.74 और 10.70। उसके बाद प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्मिक यौगिक है जो मुख्यतः वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और हम लोग जंतुओं से प्राप्त होता है। यह पाया जाता है कि यह जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जल अपघटन पर क्या देते हैं, तो अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। उसके बाद ये सभी सजीव जंतुओं के शरीर का प्रमुख अवयव है। जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। अगर सवाल ये हो कि हमारे शरीर में प्रोटीन से कितने प्रतिशत भाग बनेंगे 100% में से, तो लगभग आप याद कर लीजिएगा 19% भाग। सवाल क्या क्या बनेगा, तो बाल, नाखून, त्वचा, पंख, सीख, खुर और भी सारी चीजें ये हमारे शरीर में प्रोटीन से ही बनती है। मूल स्रोत की बात करें तो दोनों से मिलता है, वनस्पति और जीव जंतु दोनों से, लेकिन सबसे ज्यादा मूल स्रोत मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसमें, पेड़ पौधे। उसके बाद आज की लास्ट टॉपिक है प्रोटीन का रेखा चित्र। है तो बहुत ज्यादा आपकी किताब में, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में करा दिया कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहला विलेयता के आधार पर, संगठन के आधार पर, कार्य के आधार पर, यह आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख लीजिए हम लोग लगभग 950K क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी ही आगे भी बढ़ेंगे, तो इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।